उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की रहने वाली दीक्षा जोशी ने यूपीएससी परीक्षा 2021 में बड़ा मुकाम हासिल किया है। दीक्षा ने अपने तीसरे प्रयास में 19वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि पिथौरागढ़ जिले की आईएएस बनने वाली दीक्षा पहली लड़की हैं। दीक्षा जोशी का सिविल सेवा परीक्षाओं में शुरुआती सफर से अब तक का सफर कैसा रहा और भविष्य में वो समाज और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ करने जा रही, इस मुद्दे पर एएनवी न्यूज ने दीक्षा से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीक्षा जोशी, जिन्होंने पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। यूपीएससी परीक्षाओं में 19वां स्थान दीक्षा जोशी ने प्राप्त किया है। इनसे सीधी बात करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं 19वीं रैंक आपको हासिल हुई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, आपकी सफलता के पीछे किन का हाथ? काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई जब 19th रैंक पता चला कि आया है। कंट्रीब्यूशन अगर कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे पेरेंट्स का है, मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके अलावा मेरे भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और जो टीचर्स मुझे गाइड कर रहे थे, आई थिंक इन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही है एग्ज़ाम प्रोसेस में। तमाम परेशानियाँ आती हैं जब एक स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट जो है, तैयारियाँ करता है एग्ज़ाम की, किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और क्या संदेश देना चाहेंगे उन प्रतियोगियों को जो आने वाले वक्त में अधिकारी बनेंगे? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था सेकेंड अटैम्प्ट के बाद, क्योंकि मुझे 3 अटैम्प्ट लग गए एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो इस एग्ज़ाम की जो साइकिल में डीमोटिवेशन का फेज़ आता है, वो शायद बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसमें सभी के लिए मैसेज यही रहेगा कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन मिस्टेक्स को देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हुई है और उन पर वर्क करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको स्ट्रैटेजाइज करने में। दीक्षा, अक्सर देखा जाता है जब हम आईएएस एग्जाम्स की बात करते हैं तो आमतौर से देखा जाता है कि बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, बच्चे उनसे डर जाते हैं और कई बार बोला जाता है कि आप 18 घंटे पढ़ाई करें, आप 16 घंटे पढ़ाई करें। क्या ऐसा कुछ पैटर्न है या इस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है? एक बहुत ही सुचारू रूप से पहले से जो प्री प्लान हमारा रहता है पढ़ाई करने का, क्या तरीका एक अच्छा होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए? सर, आई थिंक कोई भी जब प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करता है तो शुरू में ही उसको अपने एक रिसोर्सेज को फिक्स कर लेना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को वो रेफ़र करेंगे। जब वो रिसोर्सेज एक बार डिसाइड हो जाएं तो उनका ही मल्टीपल रिवीजन वो रिसोर्सेज पे फोकस रखें। जहाँ तक बात है कितने घंटे पढ़ना है, तो ऑन एन एवरेज एक साल भर में आप 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूसली करें। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम के सक्सेसिव स्टेजेस पास आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तब आप अपने टारगेट्स के हिसाब से स्टडी आवर्स इंक्रीज कर सकते हैं, वो आपके 12 से 13 घंटे तक जा सकते हैं। जाहिर है दीक्षा, आपने 19वीं रैंक हासिल की, एक बड़ा मकाम इसको कहा जा सकता है, बड़ी परीक्षा ये होती है। आप चूंकि अधिकारी बन गई हैं तो और बहुत जल्दी आपको पोस्टिंग भी मिल जाएंगी, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी जो पिछला वर्ग है उनके लिए, और किन एक स्कूल ऑफ जो एक स्कूल ऑफ थॉट होता है अधिकारी का, किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आई थिंक पिछले वर्ग के लोगों के लिए तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि विमेन जो हैं उनको थोड़ा सा एम्पावर करें। जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी मैं कुछ काम करना चाहूँगी, एंड पर्टिकुलरली उनके लिए भी इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि मुझे लगता है वो दो स्ट्रॉन्ग सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। ओवरऑल भी मेरा यही मोटिवेशन रहेगा कि हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में मैं जितना मैक्सिमम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूँ, मैं उसकी तरफ काम करना चाहूँगी। आमतौर से देखा जाता है कि जो बेटियाँ होती हैं उनको बेटों से कहीं ना कहीं कम आंका जाता है, लेकिन आज जो है तस्वीर पूरी बदल गई है। तमाम जो हमारी बहनें हैं वो लगातार परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रही हैं, अलग अलग मकाम हासिल कर रही हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगी खासतौर से लड़कियों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? सर, आई थिंक जो आपने कहा वो कुछ हद तक हमारे कंट्री के लिए सही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लड़कियों के लिए आई थिंक यही मोटिवेशन है कि आपके लिए थोड़ी राह मुश्किल हो सकती है, बट इम्पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, डिफेंस में हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ काफ़ी अच्छा कर रही हैं, बाकी और फील्ड्स भी हैं, तो उनमें अगर आप करना चाहते हैं तो अपने लिए एक गोल को सेट करें और उसकी तरफ कंसिस्टेंटली बढ़ते रहें। और एक मैसेज आई थिंक मैं यहाँ से सोसाइटी को भी देना चाहूँगी, उनके आसपास पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर बाकी लोग भी हैं, कि लड़कियों को कम ना समझें, जितना उनका कैलिबर है उसके हिसाब से उनको एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। एएनवी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थी हमारे साथ दीक्षा जोशी, इनका साफ तौर से कहना है कि आज के वक्त में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है और तमाम जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको किसी भी लिहाज से लड़कों से कम नहीं आंकना चाहिए। बहरहाल, दीक्षा जोशी ने पिथौरागढ़ ज़िले के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और आने वाले वक्त में ये उम्मीद जताई जा रही है हमारे उत्तराखंड से और भी बेटियाँ दीक्षा की तरह नाम रोशन करेंगी। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एएनवी न्यूज़ देहरादून के लिए।